नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिल्ली एनसीआर में 27 अक्टूबर को दो युवतियां बदमाशों का निशाना बनी। एक युवती तो स्नैचर के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठी, वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों की तलाश की। दो इनकाउंटर हुए, लड़की की जान लेने वाले एक स्नैचर की इनकाउंटर में मौत हो गई। वहीं अपार्टमेंट में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी के पैर में गोली लगी। योगी आदित्यनाथ के राज्य में इनकाउंटर के इस रिवाज पर राजनीतिक दल सवाल तो उठाते हैं, मगर आम जनता पुलिस के फैसले ऑन द स्पॉट के खिलाफ खुले तौर पर विरोध नहीं कर रही है। अब सवाल है कि कानून के राज में इस त्वरित न्याय को आम लोगों की मौन सहमति क्यों मिल रही है। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की कमियों के कारण आम लोग योगी सरकार की ठोको नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा से सटे एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में स्नैचर का आतंक है। बस, ऑटो और ई रिक्शा में बैठे लोगों के अलावा राह चलते राहगीर भी स्नैचर्स का शिकार बनते हैं। चेन और मोबाइल फोन की छिनैती एनसीआर में आम बात है। 27 अक्टूबर की शाम गाजियाबाद के NH9 पर बीटेक स्टूडेंट कीर्ति भी ऐसे ही स्नैचर का शिकार बनी थी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कीर्ति को ऑटो से खींचकर गिरा दिया था। वह सिर के बल रोड पर गिरी। वहीं 48 घंटे जूझने के बाद रविवार रात इलाज के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत पर उसके पिता रविंद्र ने सिर्फ इतना ही कहा कि कीर्ति नहीं रही। कीर्ति को ऑटो से खींचने वाले जितेंद्र पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज था। जितेंद्र का नाम यूपी के माफिया के लिस्ट में नहीं था, मगर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लग चुका था। पुलिस का कहना है कि सोमवार सुबह मसूरी के नहर पटरी पर जितेंद्र के साथ मुठभेड़ हुआ और वह मारा गया। जितेंद्र की मौत की खबर के बाद किसी ने इनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया। दूसरा पहलू यह है कि कई लोगों ने आम चर्चा में इसे कीर्ति का इंसाफ बताया। ग्रेटर नोएडा में 27 अक्टूबर की दोपहर ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय ने सोसाइटी में युवती के साथ रेप की कोशिश की थी। ब्रेड दूध डिलीवरी करने वाले सुमित फ्लैट में युवती को अकेली देखकर घर में घुस गया। उसने युवती के साथ मारपीट भी की। आपको बता दें यह उस सोसाइटी का हाल है जहां लोग सिक्योरिटी चौकी से एंट्री लेते हैं। युवती के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। रविवार को पुलिस ने बिसरक थाना क्षेत्र में आरोपी सुमित की घेराबंदी की। दोनों तरफ से गोलियां चली और एक गोली आरोपी के पैर में लगी। आरोपी सुमित भी कोई बड़ा माफिया नहीं है, मगर उसके खिलाफ भी पहले केस दर्ज हैं। ऐसे बदमाश यूपी के हर गली मोहल्लों में नजर आते हैं, जो पेशे से अपराधी तो हैं मगर कानून की नजर से छिपे हैं। जब भी आम लोगों का ऐसा बदमाशों से सामना होता है, वह मन महसूस कर रह जाते हैं। इन अपराधियों पर काबू पाना पुलिस के लिए आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब लोगों को बदमाशों के इनकाउंटर की जानकारी मिलती है तो वह अपने गुस्से के कारण इसका समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान 2017 से मई 2023 के बीच 10,000 से अधिक इनकाउंटर हुए। इन मुठभेड़ों में 183 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया और 5,000 से अधिक अपराधी घायल हुए हैं। पिछले 6 महीने में यह आंकड़ा और बड़ा है। संयोग है कि मुठभेड़ का आंकड़ा मेरठ और गाजियाबाद में सर्वाधिक है, जो NCR के हिस्से में आता है। योगी सरकार की ठोको नीति का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव विरोध करते रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर उन्हें खुले तौर से जनसमर्थन नहीं मिला। यूपी का मिडिल क्लास तबका, जो बदमाशों से उलझने के बाद पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता, वह इससे खुश है। अब तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जरूरी हिस्सा बताया जा रहा है। भले ही योगी राज में इनकाउंटर के ट्रेंड पर कानूनी तौर पर सवाल उठ रहे हैं, मगर इसके प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए जुडिशरी सिस्टम को चुस्त करना जरूरी है। कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा तो फैसला ऑन द स्पॉट की डिमांड करने वालों का नजरिया भी बदलेगा। योगी राज में फैसला ऑन द स्पॉट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।